नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज हुई है ये आपने बखूबी देखा होगा और राजधानी पटना की हालत तो अब डराने लगी है, क्योंकि समूचे बिहार में आए कोरोना पॉजिटिव मामलों में से लगभग 70% मामले बिहार की राजधानी पटना से ही आए हैं, जिसके बाद ही अब स्थिति में सुधार कब होगा और किस गति से होगा इस बात का अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है। लेकिन बिहार में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए बिहार सरकार ने सख्त पाबंदियां जरूर लगा दी है, जिसमें एक पाबंदी शादी को लेकर के भी लगाई गई है। हालांकि अभी तो खरमास का मौका है, तो 14 जनवरी तक तो किसी भी शुभ काम की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन 14 के बाद खरमास खत्म हो जाएगी और कई घरों में शहनाइयां बैंड बाजा बजाने की तैयारी होगी। लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आने वाले 2 से 3 महीने में शादी करने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होने वाली शादियों में अब केवल 50 लोगों के ही आने की अनुमति होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आप भी खूब गाजेबाजे के साथ खूब सारे बारातियों के बीच शादी ब्याह करने की सोच रहे हैं तो या तो आप अपनी शादी को थोड़े समय के लिए टाल दें या 50 लोगों की उपस्थिति में ही शादी के लिए तैयार हो जाएं। इतना ही नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी तो 50 लोगों के साथ हो जाएगी लेकिन डीजे की धुन पर डांस तो हो ही सकता है, तो यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने शादी समारोह के दौरान डीजे और गाजे बाजे पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यानी कि अब शादी आपको शांत माहौल में कम लोगों की मौजूदगी में ही करनी होगी। इसके साथ ही ध्यान रहे कि कार्ड बांटने से पहले आपको अपनी शादी की सूचना अपने स्थानीय थानों में भी देनी होगी, वो भी कम से कम 3 दिनों पहले, ताकि पुलिस भी आपकी शादी में जमा होने वाली भीड़ पर नजर बना के रख सके। कमोबेश अगर आप आने वाले 2 से 3 महीने में शादी करने की सोच रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा। बगैर इसके आप ना तो बाराती ले जा सकेंगे ना ही दुल्हन को ला सकेंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब शादी ब्याह में इस तरीके की पाबंदियां बिहार सरकार की तरफ से लगाई गई है, बल्कि इससे पहले भी बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शादियों में बारातियों की संख्या पर पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद इस बार मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एहतियातन कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए नियमों को सख्त कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, बिहार सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर नाइट कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियों को 6 से 21 जनवरी तक के लिए भी लागू कर दिया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।